ड्यूपॉन्ट इक्विशन, ड्यूपॉन्ट असल में एक कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने क्या किया है कि रेशो से ही कुछ रेशो निकाले, सही है, और उसको नाम दिया गया है ड्यूपॉन्ट इक्विशन। अच्छा, ड्यूपॉन्ट इक्विशन में सबसे पहला इक्विशन जो है उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट, सही है। रिटर्न ऑन एसेट इस तरह इक्वल होता है प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर। अच्छा, ये किस तरह निकला है आप लोग को नहीं, लेकिन हमें समझने के लिए ये आप लोग कर सकते हो। इधर देख कि हमें तो पता है ना कि रिटर्न ऑन एसेट इक्वल होता है किस चीज के, नेट इनकम डिवाइड बाय एसेट, नेट इनकम डिवाइड बाय एसेट। ड्यूपॉन्ट ने क्या किया है कि इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है। किस तरह 1 से मल्टीप्लाई किया है, नेट इनकम डिवाइड बाय एसेट को 1 से जो चीज भी मल्टीप्लाई होती है वही आता है ना, लेकिन 1 किस तरह किया है कि सेल डिवाइड बाय सेल, सेल डिवाइड बाय सेल से क्या आता है 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा। अभी देख ये इस और ये चेंज कर लो, ये कोर्स में नहीं है लेकिन बात स्टूडेंट्स कहते हैं कि किस तरह आया तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ, सही है। तो ये आ जाएगा नेट इनकम डिवाइड बाय से, ये एस इधर हुआ और मल्टीप्लाई बाय ये ए इधर हुआ, सही। तो देख ये क्या है, नेट इनकम डिवाइड बाय से प्रॉफिट मार्जिन है और सेल डिवाइड बाय एसेट टोटल एसेट टर्नओवर है। तो ये इस तरह ये बना। दूसरा इक्वेशन है उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है क्या, रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लाई। ये किस तरह निकला है, ये इस तरह निकला है, देखिए रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी। दूसरा हमें पता है कि ये इक्वल होता है नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी के, सही। इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया है, नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, लेकिन 1 की जगह इधर ए बाय ए लिखा है, ये जगह चेंज कर ले, नेट इनकम डिवाइड बाय एसेट और मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय इक्विटी, सही। तो अगर आप इसको और से देख ले तो ये रिटर्न ऑन एसेट के इक्वल है और ये इक्विटी मल्टीप्लाई, सही। तीसरा इक्वेशन जो है ना, नंबर तीसरा वो है, वो भी रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि इक्वल है, एक इस रिटर्न ऑन एसेट की जगह इसका इक्वेशन प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर और मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लाई, यही है। लेकिन इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि ये इसकी इक्वल है, इसकी जगह ये लिखा, सही। और इसको मैं इस तरह भी दोबारा लिख सकता हूँ कि प्रॉफिट मार्जिन इक्वल होता है किस चीज के, नेट इनकम डिवाइड बाय सेल के, टोटल एसेट टर्नओवर इक्वल होता है सेल डिवाइड बाय एसेट के, और इक्विटी मल्टीप्लायर इक्वल होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी के, एसेट ये एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई किसकी इक्वल होता है, एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी के। क्लियर? यस सर। तो ये इट इज ऑल अबाउट ड्यूपॉन्ट, बस काफी।